आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 जुलाई 2024 सोमवार को रात 10:26 से हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 2024 मंगलवार की रात 8:42 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को, वैष्णवों को एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 मंगलवार को ही रखना है एवं एकादशी व्रत का पालना, व्रत खोलने का समय 3 जुलाई 2024 बुधवार की सुबह 5:54 से 7:54 के बीच में आपको कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत का खोल लेना चाहिए। और विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेन वह असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। सूर्य भगवान को अर्घ दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना, अब कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत की से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था और हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी का, महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु रूप में जाकर कौड़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिरा और भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोण हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे
भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। रज रानी की जय। रस रानी की जय। राधा रानी सरकार की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगद्गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। यदि आप योगिनी एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त, योगिनी एकादशी के निमित्त कुछ भी दान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।